I start with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, respected parents and my dear kids. Here is Ma'am Shazia Kausar from Kingway Group of Schools. Hopefully you will be fine. Dear kids, now you can see on screen today diary work. Day number 5, date is 30 April 2021 and day is Friday, which is the spell is Friday, Friday. Dear kids, firstly we read from English book page number 41, complete learn the poem Parts of Body, ठीक है, जो कि मैं आपको previous lecture में Parts of Body poem सिखा चुकी हूँ. सब बच्चे early standard English सी English की book open करें और देखें Parts of Body. ये poem बेटा मैं आपको last lectures में rhythm के साथ सिखा चुकी हूँ. आपने बेटा दी गई तस्वीर को देखते हुए इस poem को याद करना है, जैसे two little hands and two little legs, one big back and one big chest. इसी तरह से ये counting को complete करके poem जो है वो introduce की गई है. आपने बेटा इसी को याद करना है और मेरी previous lecture में भी आप इसको इसका rhythm सुन सकते हैं. Next पढ़ते हैं उर्दू poem की तरफ. उर्दू की नज़म भी बेटा मैं आपको सिखा चुकी हूँ last lectures में और class में भी आपको पढ़ाई जा चुकी है. आपने बेटा उर्दू की किताब से उर्दू की नज़म है टोट बटोट, ठीक है, इसको आपने याद करना है. जैसे एक था लड़का टोट बटोट, बाप था उसका मीस लोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट, ठीक है बेटा, इसको आपने याद करना है. नेक्स्ट नज़म है चिड़ियाघर, ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुकी हूँ, इसको भी आपने दोबारा से पढ़ना है, याद करना है अशारों के साथ. नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैथ्स टेबल ऑफ टू एंड थ्री. जी डियर किड्स, ये भी आपको मैथ्स की कॉपी पर काम करवाया जा चुका है, टेबल टू एंड थ्री. आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और घर में टेबल ऑफ टू एंड थ्री का को याद भी करना है, ठीक है. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कुरान. कुरान का ओरल बेटा आपने याद करना है. सब बच्चे कुरान का पेज नंबर 15 खोलें. ये है नाजरा कुरान आसान तजवीद के साथ, सफ़ा नंबर 15 है. सबक नंबर हमारा आज है, जी हमारा सबक नंबर है 7, हरफ है ज़ों, ठीक है, जिसकी आवाज़ होती है ज़ों, ठीक है, ज़ों ज़ा ज़ालमुन, ज़ों ज़ा ज़ालमुन, इसको बेटा आपने याद करना है. नीचे आप देखें तो ज़बर ज़ेर और पेश की पहचान कर गई करवाई गई है, ज़ों ज़ी ज़ू, ठीक है, इसको आपने बेटा याद करना है और हरफ ज़ुआ की पहचान भी आपने करनी है. नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं. जी बेटा नेक्स्ट हमारा वर्क है डे 6 का, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 1 मई लेबर डे पेरेंट्स स्कूल से छुट्टी होगी और ऑल लेसन रिव्यू फ्रॉम 26 to 30, यानी कि जितना लेसन पिछले वीक का था वो सारा रिव्यू होगा और मंडे को तमाम पेरेंट्स आकर नेक्स्ट वीक का काम ले सकते हैं. आज के लिए बेटा इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा. जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.